नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। किसी उद्योगपति को डराना देश हित में नहीं। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो में मिले विस्फोटक मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ साथ एएनआई की टीम भी जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच चीफ मिलिंद भारंबे ने बताया कि इस मामले में हम टेरर एंगल्स में सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच ने स्कॉर्पियो के मालिक हिरेन मनसुख से पूछताछ की। हिरेन मनसुख की गाड़ी कुछ दिनों पहले विक्रोली इलाके से चोरी हो गई थी। इस कार से जिलेटिन की छड़े भी बरामद की गई थी। पुलिस के मुताबिक यह कार विक्रोली इलाके से चुराई गई थी। इसका चेसिस नंबर भी काफी डैमेज हो गया था। बावजूद इसके मालिक तक पहुंचने में मुंबई पुलिस सफल रही। पुलिस के मुताबिक हाल ही के दिनों में अंबानी परिवार को किसी प्रकार का कोई धमकी भरा पत्र या फोन कॉल नहीं आया था। फिलहाल पुलिस आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी हुई है। हम आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच चीफ मिलिंद भारंबे यहां जांच में टेरर एंगल से जांच करने की बात कर रहे हैं। वहीं मुंबई पुलिस के एक अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने भी कहा कि आमतौर पर जब कोई आतंकी गुट ऐसे मामलों में शामिल होता है तो वह इस बात की जिम्मेदारी भी लेता है, लेकिन इस घटना के कई घंटे बाद भी अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया है। बावजूद इसके टेरर एंगल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि 2.5 किलोग्राम वजन की 20 जिलेटिन की छड़ी कार से बरामद हुई थी, जो तकरीबन 3000 स्क्वायर फीट के परिसर को ढाने के लिए काफी है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में एक इनोवा कार का भी प्रयोग किया गया था, जिसकी तलाश की जा रही है, जो अंबानी के घर के पास तक आई थी। इनोवा कार पर भी फर्जी नंबर प्लेट लगी थी, जिसे ट्रेस किया जा रहा है। यह इनोवा कार रात के तकरीबन 3 बजे मुंबई के मुलुंड टोल नाके को पार करके थाने की तरफ गई थी। हम यह भी बता दें कि पुलिस का यह भी कहना है कि जो जिलेटिन अंबानी के घर के पास खड़ी स्कॉर्पियो में मिला है, वह मिलिट्री ग्रेड जिलेटिन, विस्फोटक सामग्री बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जिलेटिन नहीं है, बल्कि कॉमर्शियल ग्रेड का जिलेटिन है। यह सबको पता है कि वो ही मुकेश अंबानी है जिनके जियो मोबाइल कंपनी की सिम लेकर अधिकांश देशवासियों ने महीने तक मुफ्त में इंटरनेट का उपयोग किया। ये वो ही मुकेश अंबानी है जिनके रिलायंस किराना स्टोरों से करोड़ों देशवासी बाजार से सस्ती दर पर खाद्य सामग्री खरीदते हैं। ये वही मुकेश अंबानी है जिनकी स्वदेशी रिफाइनरियों में पेट्रोल और डीजल तैयार होता है। देशवासी यह भी जानते हैं कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मुकेश अंबानी पर चाहे जितने आरोप लगाए, लेकिन भारत को आत्मनिर्भर बनाने में इस औद्योगिक घराने की महत्वपूर्ण भूमिका है। अंबानी की औद्योगिक इकाइयों में तैयार माल विदेशों में भी निर्यात होता है। जिस पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर देश भर में हंगामा हो रहा है, उस पेट्रोल को अंबानी की रिफाइनरी 35 रुपए लीटर में ही तेल कंपनियों को बेचती है। राज्य और केंद्र सरकार के टैक्स के बाद कीमत 100 रुपए प्रति लीटर पहुंची है। कल्पना कीजिए, यदि मुकेश अंबानी रिफाइनरी नहीं लगाते तो हमें विदेशी रिफाइनरों पर निर्भर रहना पड़ता। क्या अपने देश में उद्योग स्थापित करना गुनाह है? किसी भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी उद्योग होना जरूरी है। क्या मुकेश अंबानी ने उद्योग लगाकर गैर कानूनी काम किया है? जहां तक सरकारों से संबंध होने का सवाल है, तो हर औद्योगिक घराने को सरकारी संरक्षण की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोस्ती को लेकर राहुल गांधी कुछ भी कहें, लेकिन आजादी के बाद देश के औद्योगिक विकास में क्या टाटा बिड़ला आदि को कांग्रेस का संरक्षण नहीं मिला? अब 26 फरवरी को खबर आई कि मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित आवास के निकट एक स्कॉर्पियो कार में विस्फोट जिलेटिन और धमकी भरा पत्र मिला है। इस पत्र में मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी को संबोधित करते हुए लिखा है कि यह तो ट्रेलर है, पूरी फैमिली को उड़ाने के लिए अब की बार पूरी तैयारी होगी। स्वाभाविक है कि खुलेआम ऐसी धमकी से अंबानी परिवार की मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। मुंबई के जिस इलाके में अंबानी परिवार की एंटीलिया बिल्डिंग है, उसके निकट ही महाराष्ट्र विधानसभा का भवन है।
वैसे भी यह इलाका सुरक्षित है और मुकेश अंबानी को पहले ही जेड प्लस की सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन इसके बाद भी अपराधी बिल्डिंग के निकट स्कॉर्पियो कार खड़ी कर गए, वह भी चोरी की कार। कार में 10 नंबर प्लेटें मिली हैं। ये नंबर प्लेटें मुकेश अंबानी के काफिले में चलने वाले वाहनों की है। जाहिर है कि अंबानी परिवार को डराने की साजिश हुई है। आखिर मुकेश अंबानी का परिवार किसके निशाने पे है, यह एक बड़ा सवाल है। देश के औद्योगिक विकास में यदि अंबानी पीछे हटते हैं तो किसका फायदा होगा? कोई माने या नहीं माने, लेकिन इन दिनों देश में राजनीतिक माहौल खराब है। राजनीतिक लड़ाई व्यक्तिगत दुश्मनी पर आ गई है। मुकेश अंबानी को डराने की साजिश को देश हित में नहीं माना जा सकता। यदि मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपति कमजोर होंगे तो फिर विस्तारवाद को बढ़ावा देने वाले चीन को ही फायदा होगा। पहले ही चीन में भारत में अपने पैर बहुत मजबूत कर रखे हैं। मुंबई पुलिस को चाहिए कि इस मामले की निष्पक्ष और प्रभावी जांच करे। किसी उद्योगपति को डराना देश हित में नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज, राज बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।